समाजवादी पार्टी के सबसे उम्रदराज सांसद शफीकुर रहमान बर्क का आज यानी मंगलवार को निधन हो गया है। वो 93 साल के थे। शफीकुर रहमान बर्क लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इस महीने की शुरुआत में ही उनकी हेल्थ काफी खराब हो गई थी, जिसके चलते उन्हें मुरादाबाद में मौजूद एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। बर्क के निधन से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी सदमा है। दरअसल पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रत्याशी भी बनाया था। शफीकुर रहमान बर्क का जन्म 11 जुलाई 1930 को उत्तर प्रदेश के संभल में हुआ था। वो समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। शफीकुर रहमान बर्क 4 बार विधायक और 5 बार सांसद रहे हैं। उन्होंने पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर 1996 में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। वहीं 2014 में बसपा से लोकसभा चुनाव लड़े थे और जीत हासिल की थी। आपको बता दें, लोकसभा सांसद शफीकुर रहमान बर्क की दिल्ली में करीब 1 महीने पहले तबीयत खराब हो गई थी। ऐसे में उन्हें वहां मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उनकी कंडीशन में कुछ सुधार होने पर 29 जनवरी को उनके घर वालों ने मुरादाबाद के कांठ मार्ग पे मौजूद सिद्ध हॉस्पिटल के ICU में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा था, जिसके बाद उनकी तबीयत में सुधार भी देखने को मिला था। उनके सीने में वायरस बताया गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि अखिलेश यादव भी उनसे मिलने के लिए अस्पताल में पहुंचे, जहां पर उन्होंने शफीकुर रहमान बर्क का हालचाल जाना था। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी रिएक्शन सामने आ चुका है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, समाजवादी के वरिष्ठ नेता कई बार के सांसद जनाब शफीकुर रहमान बर्क साहब का इंतकाल अत्यंत दुखद, उनकी आत्मा को शांति दे, शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो, भावभीनी श्रद्धांजलि। आपको बता दें, राम मंदिर उद्घाटन पर भी शफीकुर रहमान का बयान सामने आया था। उनसे जब पूछा गया था कि क्या वो मंदिर के उद्घाटन में जाएंगे, इस पर उन्होंने कहा, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मेरे जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मेरी मस्जिद वहां जमाने से बनी हुई थी, उसे खत्म कर दिया गया जबरदस्ती, ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर मस्जिद को खत्म कर दिया गया। इसके अलावा कई सारे ऐसे बयान हैं जो शफीकुर रहमान देते रहते थे। वो जाने ही इसलिए जाते थे कि वो खुलकर बयानबाजी करते थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहना चाहेंगे शफीकुर रहमान बर्क के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।